हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। बना रही हूँ आज चिकन फ्राइज विंग स्पाइसी विंग्स। ये हैं विंग्स, आधा किलो विंग्स है और ये सारे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। ये है कश्मीरी लाल मिर्च आधा स्पून, हल्दी आधा स्पून, नमक एक स्पून टीस्पून, और ये खुश्क धनिया पिसा हुआ आधा स्पून, काली मिर्च आधा स्पून, गर्म मसाला आधा स्पून, और ये कुटी हुई ग्रीन सब्ज मिर्चें दो, और ये है सूखी कसूरी मेथी, और ये पेपरिका पाउडर कश्मीरी मिर्चें, और ये एक अदद नींबू है, और ये बेसन है, ये कॉर्नफ्लावर है, और डेढ़ चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। और गाइस ये है एक फ्राई एक अंडा, ठीक है, जल्दी से मेरे अंडा लिया। हम सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। पहले हम डालेंगे इसमें राइस, और पहले हम इसमें डालेंगे चिकन विंग्स, फिर हम सब डालेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स, ये देखिए बहुत सारे डालते हैं। फिर हम डालेंगे इसमें बेसन, कॉर्नफ्लावर, लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ में हम डालेंगे एक अदद नींबू जो होंगे इसके अंदर। बीच हमने इसके निकाल दिए थे साथ, इसको अच्छी तरह से यहाँ मिक्स कर लेंगे। कोटिंग की देखा किसी कोटिंग अच्छी लगता है, क्योंकि हमने बेसन भी डाला है, कॉर्नफ्लोर भी डाला है और अंडा भी, ठीक है, ताकि इसकी कोटिंग अच्छी हो। ज़्यादा बेसन नहीं डालना, ज़्यादा कॉर्नफ्लोर नहीं डालना, ज़्यादा थिक इसका ऊपर लेस ना आ देना, क्योंकि हमने इतनी लेस कह ली, ठीक है। अब हमने इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे मैरिनेट करने के लिए, फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे, ठीक है। फ्राइस या तो हम इसको छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। गाइस अब ये हमारी 10 मिनट में ये विंग्स तैयार हो गई हैं। अब मैं इनकी सॉस बनाऊंगी, और सॉस बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी ये जूसी और यम्मी बनेंगी। इनको 10 मिनट मैंने दी हैं, 10 मिनट में ये सही हो गई है, गोल्डन इसका कलर आ गया है विंग्स का। अब मैं इनकी सॉस बना लूँगी, ठीक है। गाइस ये है चूरा हुआ प्याज छोटा गड्ढा, और 4 जुए लहसुन के बारीक चॉप हुए, और ये है सब्ज़ धनिया की डंडियाँ, पत्ते नहीं डालने, डंडियाँ डालनी, और ये हम जब ये सॉस तैयार हो जाएगी उसके बाद ऊपर से डालेंगे। और ये हमारी केचप 4 टेबलस्पून, ठीक है। गाइस ये हमारा पेपरिका पाउडर कश्मीरी मिर्चों का पाउडर, अगर आपके पास बड़ी कश्मीरी मिर्ची है तो वो भी आप डाल सकते हैं, अगर वो नहीं है तो आप पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमने इसके साथ रखी है सफ़ेद वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्चें, ठीक है, ये आधा टीस्पून, ये हो गया एक चूड़ा प्याज, और ये सब्ज़ धनिया की डंडियाँ, और 4 जवे लहसुन के चॉप किए हुए, और ये 2 टेबलस्पून केचप। अब इससे हम अपनी करेंगे सॉस तैयार। गाइस ये हमने अब डाला है इसमें चॉप किया हुआ प्याज, ठीक है, चॉप किया हुआ प्याज। अब हम इसको थोड़ा सा हल्का सा करेंगे ताकि ज़रा सा नरम हो जाए, हमें गोल्डन नहीं करना, सिर्फ हल्का सा हमने इसको नरम करना है, ठीक है। जब नरम हो जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन और काली मिर्चें और केचप। जमी सी मज़ेदार सी सॉस हमारी तैयार हो गई।
हमारे मजेदार से तैयार हो गई है। बीन्स स्पाइसी, हॉट एंड स्पाइसी, मज़ेदार से आप इसे चपाती के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी, और फ्रेंच फ्राइज के साथ भी खा सकते हैं आप इसे।